फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आई एम राहुल गुप्ता, साइंस एक्सपर्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम वीडियोस 2। स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, एंड दैट इज चैप्टर 7 क्लास 11 इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, बात करते हैं, हम बात कर रहे थे वीडियोस 2 के लिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। आप सबसे पहली प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, सेकंड वन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। वन बाय वन उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फर्स्ट प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो KC और KP इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर यदि KC की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यदि कम रहेगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस पॉइंट आउट में हमें यह पता चलता है कि रिएक्शन हमारी किधर एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी वैल्यू हमें मिल रही है, लाइक दैट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यदि हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये चीज फोकस करने वाली है और समझने वाली बात है। अभी हम रिएक्शन के एग्जांपल लेकर बताएंगे। देखिए, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को यानी मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट कर रहा है। रिएक्शन में KC की वैल्यू यदि ज्यादा है, लाइक 10^3 से, तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट होने वाली है। रिएक्शन प्रोसीड टू नियरली कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के लिए हमने, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये तो आपको बताया एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। 300°C पर KC की वैल्यू हो गई 4×10^31, तो 31+ की पावर, तो आपको ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट वहां पर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। वहीं यदि उसकी वैल्यू जो है 10^-3, इसका मतलब रेयरली अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, प्रोसीड हो रही है वो रिएक्शन। और वो प्रोसीड होने के बाद रिएक्शन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2+O2 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मुला लिया हमने। 25°C पर यदि रिएक्शन की बात करें तो KC इज इक्वल टू हमारे पास 4.8×10^-31, सो इट मीन्स वैल्यू नेगेटिव है, रिएक्शन बहुत कम, ना के बराबर। यदि ए और बी की वैल्यू 10^-3 से 10^3 के बीच में है, तो एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। यानी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, दोनों भी प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, H2+I2 2HI, तो 700°K पर KC इक्वल टू आ गया HI2/HI और HI, तो इसकी वैल्यू 57 आई। तो इस प्रोसेस से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हमारी पूरी हुई है, अधूरी हुई है, कम हुई है, कितनी हुई है। दूसरी बात करते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन कैसे बदलती है? अब देखिए, रिएक्शन यदि हमारी आगे की तरफ चल रही है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी टर्म होती है रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट हमें बताएगी वहां पर कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, किधर प्रोसीडिंग कर रही है रिएक्शन। भाई नॉर्मली बात है, कंसंट्रेशन यदि रिएक्टेंट की बढ़ रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड में जा रही है। कंसंट्रेशन यदि प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो वहां पर क्या है, रिएक्शन जो है हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है, फॉरवर्ड में जा रही है। सो QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। QC इज इक्वल टू CC/DD/AA/BB, तो ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। अब जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर, तो QC की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। यदि QC की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, QC की वैल्यू जो हमारी यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, यदि वो KC से छोटी रहेगी, KC से कम रहेगी, इसका मतलब नेट रिएक्शन जो जा रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। नेट रिएक्शन जो जा रही है कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। और यदि QC की वैल्यू ज्यादा है KC से, तो नेट रिएक्शन कहां जाएगी, राइट टू लेफ्ट, यानी कि प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तरफ। और दोनों इक्वल हैं तो वहां पर कोई भी नेट रिएक्शन ऑकर नहीं हो रही है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है वहां पर QC और KC की वैल्यू पर। अब रिएक्शन क्यूसेंट जो होता है वो ही कैलकुलेट करते हैं हम। रिएक्शन क्यूसेंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, एंड QP विद पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC, एक्सेप्ट दैट द कंसंट्रेशन इज QC इन QC आर नॉट नेसेसरली इक्विलिब्रियम वैल्यूज फॉर अ जनरल रिएक्शन। QC की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई। देखिए, यदि QC ग्रेटर द बैकवर्ड डायरेक्शन, KC, देखिए अब इस कंडीशन में देख लीजिए, आप इस इक्वेशन में यही बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, दूसरा केस QC की वैल्यू छोटी, फॉरवर्ड डायरेक्शन,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चल रहा है वो चीज। देखिए जिस तरीके से ये है, यहाँ पर रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। और तीसरा केस है दोनों की वैल्यू इक्वल, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ना बैकवर्ड में, जिस स्टेज में है जहां है जैसी है वही स्टॉप लग गया उस पर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन की स्टेज क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है, या इक्विलिब्रियम स्टेज में है, क्या कंडीशन है, वो सब चीजें। जैसे कि आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं यहाँ पर भाई तीनों की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, वैल्यू आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपके पास केसी की वैल्यू तो कैलकुलेट करी हुई, क्यूसी की वैल्यू निकालेंगे। 46.4 आपको केसी की वैल्यू दे रखी है। अब जब आप देखिए H2, I2, HI तीनों की वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, क्यूसी निकालेंगे। तो क्यूसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी चीज देख लीजिए, क्यूसी आ गया 8, तो रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू जो है कैसी है, छोटी है, कम है, तो वो रिएक्शन किधर जा रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। क्यूसी कम है, केसी ज्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। सो बाय दैट प्रोसेस वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है वो हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी द फंडा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक सिंपल सी बात से ही यहां पर आपको क्लियर हो जाए, ये रिएक्शन 731 केल्विन पर हो रही है रिएक्शन, ये चीज आपको फोकस करनी है। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। थर्ड बात करते हैं कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये तो बताया आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब किसी भी वजह से यदि हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। लाइक दैट एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन के बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। देखिए हाइड्रोजन और 3 मोल्स आयोडीन के लिए हमने, और वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज, हमें फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन लिख लिया हमने H2 और I2 के बीच में, फिर उसके बाद H2 I2 की एक सेटअप करेंगे बैलेंस इक्वेशन से, इनिशियल कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड गोइंग टू इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम, तीनों कंडीशंस की वैल्यू को लिखेंगे यहां पर। इनिशियल I, चेंज C, इक्विलिब्रियम E। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, चेंज इन कंसेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। अब इसे देखिए, हमने चेंज करा X और X, तो 2X बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ये चेंज वैल्यू हमारी है। अब यदि इनिशियल 2 और आयोडीन 3 थे तो हाइड्रोजन आयोडाइड शुरू में 0 होगा। यदि इक्विलिब्रियम की बात करें तो 2x हो जाएगा, 2 माइनस x 3 माइनस x 2x हो जाएगा। तो ये हमारी अब वैल्यूज आ गए इनिशियल पर, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। भाई आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऊपर आ गया, H2 नीचे, I2 यहां पर, उनकी तीनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तीनों की वैल्यू जो भी रहेगी, देखिए पुट कर दिया हमने, केसी की वैल्यू हमें बता दी। अब यहां पर क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू जो भी आएगी एक्स की, लाइक एक्स की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या आई, देखिए ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो सिंपल आउट जनरल वे से आपके कह सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लें आप, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, चाहे स्क्वायर रूट फॉर्मूला लगा लें, किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। देखिए यहां पर तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जाएगा यहां पर आपके पास। अब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी एक्स की, वो एक्स की वैल्यू आपको यहां पर दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाली वैल्यू छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू शॉर्ट आउट करेंगे। इक्वेशन आ गई 199x² + 5x - 6 = 0। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। एबीसी की वैल्यू आ गई a 199 b 5 c - 6। अब रूट फॉर्मूला लगाएंगे, रूट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, x = -b + √b² - 4ac/2a। देखिए सॉर्ट आउट करा हमने, -5 + √5² - 4 × 199 - 6 / 2 × 199 वैल्यू पुट कर ली ए और बी और सी की, शॉर्ट आउट करा इसे। देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 25 4776 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे। सिंप्लीफाइड किया हमने, देखिए इस तरीके से -5 + -69.28 / 398 वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
माइनस करने के बाद, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है पर वो आप कर सकते हैं। वैल्यू है अप्रोक्स 0.160, अप्रोक्स 0.160 दैट इज द वैल्यू ऑफ x। एक दूसरी वैल्यू है -186 x की वैल्यू। ये वैल्यूज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो माइनस वाली वैल्यू तो आपको लेनी नहीं, ये बात तो आपको पक्का रखना है, क्योंकि ना तो हमारी रिएक्शन की वैल्यू यहां पर के सी या के पी की माइनस में आएगी, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। फिर उसके बाद एक कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के एक्स। देखिए एच टू की वैल्यू निकाली आपने जो भी कंसेंट्रेशन रही, आई टू की वैल्यू निकालेंगे, आई टू की वैल्यू निकाली 2.84 एम। फिर एच आई की वैल्यू निकालेंगे आप, एच आई की वैल्यू हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू निकलेगी 0.32 एम। अब आप क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कैलकुलेट करेंगे। तो के सी इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो के सी की वैल्यू देखिए पुट कर लिया हमने, क्या वही वैल्यू आ गई है और नो 0.02 कैलकुलेट करके आ गई। सो बाय दिस मेथड वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ के सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं के क्यू जी रिलेशनशिप एंड ली चैटरली प्रिंसिपल। गिव्स फ्री एनर्जी जो प्रिडिक्ट करती है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। केस वन में देखिए यदि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, इक्विलिब्रियम है, तो देखिए वहां पर यदि जो आपका जी प्रोडक्ट रहेगा यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा केस है कि यदि पॉजिटिव रहती है तो जी प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, और जी रिएक्टेंट आपका लोअर रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगी वहां पर। अब तीसरा केस लगाते हैं, देखिए प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा था जी यदि नेगेटिव रहता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगी, और फॉरवर्ड होने पर क्या है, जी रिएक्टेंट बड़ा हो जाएगा, जी प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जी प्रोडक्ट लेस देन जी रिएक्टेंट। तो देखिए केसी और जी में क्या रिलेशनशिप है उसकी बात करते हैं। केसी क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। इनकी रिलेशनशिप क्या है, और क्यूसी आपके लिए होता है रिएक्शन क्यूसेंट। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड हीट इक्वल होगा किसके, डेल्टा जी नॉट के। ठीक है, इसे बोलते हैं आप स्टैंडर्ड फ्री गिव्स फ्री एनर्जी। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए नहीं आती, डायरेक्ट तरीके होती है। तो डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन क्यू, आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यू रिएक्शन क्यूसेंट। क्यू की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, देखिए ये सी डी अपॉन ए बी यानी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिख रहे स्टूडेंट्स, तो डेल्टा जी की वैल्यू में पुट कर दिया आपने, क्यू की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब एक चीज है, यहां पर आपको डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि उस पर क्या स्टेट रहेगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्यू किसके इक्वल हो गया, केसी के इक्वल हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, देखिए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी इंट केसी आ गया, इंट केसी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, और केसी इक्वल टू आ गया आपके ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, केसी इक्वल टू ई पावर डेल्टा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। अब यदि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है, या ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर डी की वैल्यू किसके इक्वल वन से ज्यादा हो, तो केसी की वैल्यू और वन से ज्यादा रहेगी। केसी वैल्यू वन से ज्यादा रहेगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये पहला केस था हमारा जहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो थी, केसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी। दूसरा केस देखिए जहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर है जीरो से और केसी की वैल्यू लोअर है वन से, तो ये रिएक्शन आपकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये जो आगे कंडीशन आ गई जस्ट उल्टी आ गई कंडीशन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। यानी वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन वन, देन दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जब आपकी केसी की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, और इसका इफेक्ट होता है आपका हायर एल्टीट्यूड पर, जब आपके रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगता है, और जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगता है तो उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने पर हमारे ब्लड में एक अलग तरह की डिसीजेज हो जाती है जो हमारे माइंड की कैपेबिलिटी पावर को कम कर देती है। देखिए जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब आप माउंटेन पे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है,
और प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है इसका इफेक्ट देखिए, ली चैटली ने एक्सप्लेन दिया था, उस चीज को पहले आप सुनेंगे। तो यदि एयर प्रेशर डिक्रीज है तो हमारी सांस फूलने लगती है अक्सर पहाड़ पर चढ़ते समय। सो ली चैटली प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस। अब देखिए जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर पर तो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई आपका तीन ही चीजें होती हैं मोस्टली, एक कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। अब इफेक्ट पर बात करेंगे हम, तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, एक इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट थी। तो ये आपका ली चैटली जो प्रिंसिपल दिया था उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भाई इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है, शिफ्ट करता है फैक्टर्स कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको तीन बताई थी। सबसे पहले कंसंट्रेशन चेंज की बात करेंगे, तो ली चैटली प्रिंसिपल ने जो कंसंट्रेशन बेस बताया था उन्होंने बताया था, तो देखिए यहां पर इस लॉ को जरूर आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ली चैटली ने उसकी पोजिशन को बताया था। सो द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड By net reaction in the direction that consumes the added the substance. Second one, the concentration stress of a removed reactant or product is relieved by the net reaction in the direction that replenishes the removed substance. ठीक है, तो यहां पर यदि concentration effect होता है तो उस चीज को हम graph से देख सकते हैं। Concentration क्या होता है भाई, जितना amount आपका solute का present होता है solvent में वो उसके लिए concentration का work करेगा। Like इसका जो deep color है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन है आपका पेल येलो कलर से और कलरलेस फॉर्म से मिलकर बना है डीप येलो। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और उसी के बेस पर हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इक्वल टू केसी। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है, रिएक्शन क्यूसेंट किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाता है। ये चीज तो आपको ध्यान समझनी है यहां पर। तो ये कुछ कंडीशन, एडिंग द रिएक्टेंट बोथ टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, रिमूविंग द रिएक्टेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एडिंग द प्रोडक्ट टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर और रिमूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दैट। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो इसके कलर को, या एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं जिस पर ये एक्सप्लेन है। केस वन, एडिंग द रिएक्टेंट फेरस आयन और सल्फर साइनाइड, ये थायोसाइनाइड है आपका, ठीक है, इस दोनों को मिक्स किया हमने। मिक्स करने पर क्या होगा, सॉल्वेंट आपका डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया पेल येलो से, तो क्यूसी की वैल्यू होगा ये वाली आपकी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। ये किस तरीके से डार्क कलर फॉर्म्ड होता चला जा रहा है, वहां पर कलर चेंजिंग कर रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो क्यूसी की वैल्यू होगा ये आपके पास, जिससे आपकी क्यूसी की वैल्यू जो यदि डिक्रीज होती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं, क्यूसी इज लोअर देन केसी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीडिंग हो रही है, डायरेक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है। भाई आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है ना, तो ये था हमारा केस वन जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, यानी शुरू में जीरो था पर बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद रिमूविंग द रिएक्टेंट फेरिक आयन और थायोसाइनाइड आयन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उसके बाद रिमूव करना स्टार्ट किया उसने। देखिए कैसे रिएक्शन दिखे, ये देखिए कलर क्या किस तरीके से चेंजअप हो रहा है, तो उसमें क्या है कंडीशन चेंज हो रही है क्योंकि वहां पर जो आपका रिएक्टेंट्स है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि नीचे रिएक्शन में आप देख सकते हैं H2C2O4 लिया है हमने ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन और एग्जांपल दे रखा है। तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, अब क्यूसी यदि ग्रेटर है तो डायरेक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। जो ब्लू आपका रेड जो कलर था वो आपका क्या होगा, लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, डीप से लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया। केस थ्री, एडिंग द प्रोडक्ट FeSCN2+ आयन टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दोबारा प्रोडक्ट में मिक्स किया तो क्यूसी की वैल्यू फिर हमने कैलकुलेट कर ली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। अब यहां पर क्या है, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्यूसी क्या है केसी से ग्रेटर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी वहां पर। ठीक है,
अब लास्ट केस फोर, रिमूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्यूसी की वैल्यू आपने निकाल ली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से, और जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से आपने वैल्यू निकाल ली तो क्यूसी इज लोअर देन केसी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपको एक रिएक्शन का प्रोसीड बताया हमने, जहां पर आपकी रिएक्शन पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, जैसा मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट और उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, कंसेंट्रेशन का इफेक्ट था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रेशर पर इफेक्ट बात करेंगे अभी हम। यहाँ पर कंसेंट्रेशन का इफेक्ट आपने देखा किस तरीके से मिक्सचर के चेंज होने पर उसके इफेक्ट होगा। वहीं बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या है देखिए, वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये फॉर्म होता है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करता है जब उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री केल्विन होता है। तो दूसरी चीज क्या है वहां पर, प्रेशर। अब प्रेशर देखिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया प्रिंसिपल व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन प्रेशर देन द सिस्टम टेंड्स टू शिफ्ट मी इक्विलिब्रियम पोजीशन इन सच अ डायरेक्शन दैट अपोजिट। तो प्रेशर का रहेगा क्या इफेक्ट, प्रेशर गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, एन के इक्वल रहता है। तीन केस यहां पर भी, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एंड लास्ट वन, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक बार रिएक्टेंट ग्रेटर, एक बार प्रोडक्ट ग्रेटर, और एक बार दोनों इक्वल। अब देखिए यहां पर कंडीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। भाई आपने अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, 1:3 का रेशियो लिया, 2 मोल अमोनिया बन गए वहां पर, ये किसकी इफेक्ट में से हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर की इफेक्ट में से। तभी तो देखिए किस तरीके से तेजी से वर्किंग कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, आपस में टकरा रहे हैं नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं तेज मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। प्रेशर का इफेक्ट करा हुआ तो प्रेशर का इफेक्ट, जैसे आपने उसे प्रेशर अप्लाई किया तो उन्हें पोजिशन मिल गई कम। अब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में। ठीक है, अब जब जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम का इफेक्ट दिखेगा, मॉलिक्यूल्स तेजी से बदलेंगे, जब जगह कम रहेगी आपस में टकराएंगे और तेजी से वो मॉलिक्यूल्स आपके चेंज अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से रिएक्शन पे दिख रहा है। केस नंबर 2 में देख लीजिए, पीसीएल 5 में देख लीजिए, वहां पर प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन है मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। PCl3 और Cl2 1-1 मोल दोनों हैं। अब PCl5 यदि इस तरीके का इफेक्ट अपोजिट भी होगा, यदि प्रेशर हमने डाला उसका इफेक्ट अलग रहेगा, और यदि दोनों इक्वल रहेंगे तब क्या कंडीशन रहेगी वो भी समझ लीजिए। अब दोनों में क्या है, आपके दोनों इक्वल हैं, यहां भी 2 है वहां भी 2 है, उसका इफेक्ट भी देख लीजिए। सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। आगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट ओनली ऑन दोज इक्विलिब्रिया दैट इन्वॉल्व्स गैसेस सब्सटेंस। गैस सब्सटेंस पर ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है। तो वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और लिक्विड इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन, डज द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस इनटू अ गैस फेज इक्विलिब्रियम एट कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट। अब आपको इनर्टनेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज की बात करनी है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, केपी इज डिपेंडेंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। केपी जो है वो डिपेंड किस पर करता है, उन पर इंडिपेंडेंट करता है जो नॉन रिएक्टिव। अब देखिए कंसेंट्रेशन और प्रेशर का चेंज तो आपने पढ़ लिया अभी कि प्रेशर उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, अब बात करेंगे टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम केसी विल चेंज। देखिए इस रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं, यहां पर अमोनिया के लिए देख लीजिए 298 और 400 केल्विन पर, तो रिवर्सिबल इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो केसी डिक्रीज हो जाएगा। और वहीं एंथैल्पी आपकी जैसे अमोनिया के लिए देख लीजिए 92.38 किलो जूल मोल इनवर्स, ये वैल्यू वहां पर दिखा रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। वहीं ये रिएक्शन यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए भाई, डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, या तो और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए या फिर बिल्कुल कम हो जानी चाहिए। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या रहेगी इस रिएक्शन पर, एंथैल्पी का इफेक्ट, पहले टेम्परेचर इफेक्ट की बात करते हैं,
तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। दोनों ही कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल से पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो के भी इंक्रीज हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो इफेक्टिव कॉन्स्टेंट रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी होता है, के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के बी आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। तो यदि के बी आपका इंक्रीज हो रहा है तो के सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर के सी डिक्रीज हो जाता है और के सी डिक्रीज हो गया यानी के बी इंक्रीज हो गया। अब यदि किसी रिएक्शन में आपकी जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है तो के इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाइक पीसीएल 5 के लिए देख लीजिए आप। तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 124 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये क्या है, अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल दिखेगा। ये दो ही टाइप की रिएक्शन होती है, यहां पर भी के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। के एफ की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है तो के सी की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो के सी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपकी यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो के सी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं एनओ टू की, तो ये डाइमराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, एन टू ओ फोर में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन से कलरलेस हो गया, दोनों ही गैस फॉर्म है। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में, माइनस 557.2 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ब्राउन कलर से कलरलेस में हो रहा है तो धीरे धीरे करके ये कलर डाइमराइज हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए फ्रिज मिक्सचर पर क्या है, रूम टेम्परेचर पर हॉट वाटर में, हॉट वाटर में बहुत तेजी से कलर का जो है ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम चेंज हो रहा है। फिर आपका देखिए रूम टेम्परेचर में उससे हल्का और फ्रीजिंग में तो बहुत ही तेजी से, तीनों इफेक्ट देख लीजिए आप यहां पर। ये फ्रिज मिक्सचर में कलर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, वहीं इंक्रीज इन टेम्परेचर पर उसका इफेक्ट क्या कर रहा है, उसे इतनी तेजी से प्रोसेसिंग करने नहीं दे रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू को वो चेंज होने वहां पर नहीं दे रहा है। और टेम्परेचर डिक्रीज होते ही साथ ही वो तुरंत किसका कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी थी वो नेगेटिव थी 57.2 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये चीज आपके टेम्परेचर के इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज द जनरल एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की इक्वल वर्क। स्टूडेंट्स कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन को इफेक्ट करता है, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, तो उसका तो इफेक्ट होना बनता ही नहीं है इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वो क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए शॉर्टेस्ट वे देता है जल्दी करने के लिए, तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोसेस में देख लीजिए यहां पर, यदि लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर इस प्रोसेस के लिए फेवर्ड रहता है, उसे अपने फेवर्ड में रखता है। फोर मॉलिक्यूल्स, फोर मोल से टू मोल्स बनने हैं तो अन इकोनॉमिकल कंडीशंस अप्लाई होती हैं, दोनों ही अन इकोनॉमिकल। और जो कैटलिस्ट का इफेक्ट यानी कि अमोनिया में आयरन का जो इफेक्ट किया था, फ्रिज हैवर ने एक्सप्लेन किया था, ये एक जर्मन कैटलिस्ट जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज के बारे में। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में देख लीजिए, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 725 टू 775 और कैटलिस्ट आयरन यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस में देख लीजिए, यहां वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है, V2O5 यूज होता है। तो ये कैटलिस्ट क्या इफेक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को केवल क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पथवे दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, और यही चीज वहां पर इफेक्ट करती है उसे। स्लो रिएक्शन से हाई टेम्परेचर पर टावर गेट कॉल्ड है, तो स्लो रिएक्शन रहती है वहां पर आपके लो टेम्परेचर पर। ठीक है स्टूडेंट, बट फेवर्ड कंडीशन आपके जो वहां पर यूज की जाती है कैटलिस्ट, वो आपका प्लेटिनियम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड नॉर्मल प्रेशर पर, टेम्परेचर 673 केल्विन। अब एसिड और बेस की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे हम, एसिड और बेस भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखिए एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया, वैसे नॉर्मली हमने डेफिनेशन पढ़ी है भाई, एसिड जो होता है वो नॉर्मली टेस्ट में श्योर होता है, ठीक है, एच आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में डिजोल्व होने पर। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी क्वालिटीज, मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है सॉल्ट प्रिपेयर करता है, बेस के साथ रिएक्शन करके वहां पर सॉल्ट प्रिपेयर कर लेता है, या आपके और दूसरे रिएक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज को आपने जल्दी पढ़ा है। बट यहां पर हम बात करेंगे कहां से ये एसिड बेस या सॉल्ट आया आपके पास, तो सॉल्यूशन के बेस पर, जिसे मिशेल फोराडे ने एक्सप्लेन किया था। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स दो वीक और स्ट्रांग,
सब बात कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ते चले जाते हैं इन थ्योरियों को, इन थ्योरियों में क्या कह रहा है ये। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आर्हीनियस ने दिया था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आया था सबसे पहला एसिड बेस के लिए, और उन्होंने बताया क्या कि एसिड्स वो होते हैं जो डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं एच आयन, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं आयनाइजेशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के बेस पर एक्सप्लेन किया। जैसे आप किसी एसिड की रिएक्शन कराएंगे, अब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो दो टाइप के हो गए, एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही टर्म यहां पर भी एक्सप्लेन करनी समझ जरूरी है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो और इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश किया जाए आयन्स में और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स में, सो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। और एसिड बेस सॉल्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि हमारे फूड डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है, सोप में बेस का यूज होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, एंड एंटासिड में बेस का यूज होता है, इनो है बेस का यूज होता है, फूड वगैरह में सॉल्ट यूज करते हैं, ये सॉल्ट है अपने आप में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, फूड डाइजेशन के लिए वर्क करता है, हमारी बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट और आपका बेकिंग पाउडर, ये अपने आप में क्या है, बेस है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड्स क्या है? एसिड्स का मतलब होता है शोर, खट्टा, जैसे नींबू, लेमन, इसके अलावा टैमरिंड। तो वो सॉल्यूशन जो थोड़ा बहुत इस तरीके का इफेक्ट दिखाए, और बेस जो होता है एकदम कड़वा सा होता है, जैसे झाग बनाता है, सोप, डिटर्जेंट, तीखा सा कसैला सा स्वाद होता है इसका। ये प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द थ्री प्रॉपर्टीज। भाई एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो एसिड और बेस की पहली थ्योरी थी आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने बताया कि वो सब्सटेंस एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजन आयनाइज होने पर देते हैं, लाइक HCl वाटर में मिक्स किया तो एच आयन अलग, Cl माइनस आयन, तो H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है ना एसिड्स में। तो ये उन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की एसिड्स के बेस पर। देख रहे स्टूडेंट्स, आपको वाटर मॉलिक्यूल थे, एच आयन अलग हो गए वहां पर, तो जैसे ही एच आयन से रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा क्या, H3O+, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ये एक ट्राइगोनल फॉर्म्ड हो जाएगी। वहीं हम बेस की बात करें तो बेस क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। बेस आपने वाटर में डाला, OH आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, और OH आयन क्या करेगा, वो बेस की टर्म को एक्सप्लेन करेगा। वाटर के साथ OH आयन रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद क्या देगा वहां पर आपका, देखिए H3O2 ये कंबाइंड बन जाएगा, H3O2- फॉर्म बन जाएगी, H3O2- फॉर्म बन जाएगी।